हेलो फ्रेंड, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। मैं खुद के IMS क्लासेस के नाम से खुद का कोचिंग चलाता हूँ, जो कि सिपाड़ा पटना में है। ठीक है, मैं मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ाता हूँ, और मुझे रेशियो के जादूगर के नाम से यहाँ पे सब लोग जानते हैं। मैथ तो बाद में बताऊँगा, ठीक है, पहले मैं डाइस बता रहा हूँ आज। डाइस एक ऐसा टॉपिक है जो बैंकिंग सेक्टर छोड़ के बाकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और डाइस से रिलेटेड सारा टॉपिक मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान रखेंगे कि डाइस का क्वेश्चन कब बनता है। डाइस का क्वेश्चन तब बनेगा जब आपका डिफिनीशन क्लियर होगा। डिफिनीशन क्लियर होगा तो आपका उसका रूल समझ में आएगा। रूल समझ में आएगा तो जितना भी कैट IAS लेवल का क्वेश्चन है वो बनेंगे, यानी कि डाइस फोल्डिंग डाइस समझ में आएगा लास्ट में। क्लियर है? तो आज टॉपिक चालू करने वाला हूं डाइस। चलिए यहां देखते हैं डाइस। ठीक है, अब देखिएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे डाइस दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। ठीक है, इधर देखिएगा, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस होता क्या है उसको हम थोड़ा सा ध्यान देखते हैं। मेरे हाथ में दो डाइस है, ठीक है, दो डाइस है, एक स्टैंडर्ड एक जनरल। तो आप ये देखिएगा, ये जो डाइस है मेरा जनरल डाइस नहीं स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? एक के पीछे क्या है, छ, इसको यहां छोड़ देता हूं, छ, छ के पीछे एक। ठीक है, पांच, पांच के पीछे दो। क्लियर है? और चार, चार के पीछे तीन। दैट मींस ये स्टैंडर्ड डाइस हुआ। क्यों? अगर ये डाइस मेरे से खो जाए, भाई देखो, मेरे से ये खो जाए, मैं अमेरिका में चला जाऊं, वहां एक डाइस मारूंगा, तब पर भी एक के पीछे छ ही होगा और तीन के पीछे क्या होगा, चार ही होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब कि पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो कर रहा है। स्टैंडर्ड रूल, स्टैंडर्ड रूल का मतलब पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो कर रहा है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड रूल। ठीक है, और जनरल रूल क्या है, केवल मेरे पर्पस के अनुसार से जो बना हुआ वो जनरल रूल है, स्टैंडर्डाइज। यहां डेफिनेशन पे ध्यान देंगे, ऐसा पासा जिसके कोई भी दो विपरीत फलको, दो विपरीत फलको यानी अपोजिट फेस, ठीक है, फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। दो विपरीत फलकों पर यानी अपोजिट फेस का सम 7 है, अपोजिट फेस का सम 7। लेकिन ये डिफिनेशन से मेरा एग्जाम में काम नहीं चलने वाला। क्लियर? क्योंकि ये अगर मेरे पास डाइस होगा, अगर ये डाइस मेरे हाथ में है तो मैं क्या करूंगा, इसके पीछे देखूंगा, अरे तीन, इसके आगे चार, अरे यार ये तो डाइस स्टैंडर्ड है। ठीक है, लेकिन बाय द वे अगर ये फोटो बना हुआ है, अगर फोटो बना हुआ तो फोटो से तो मैं उठा के उस डाइस को नहीं देख सकता ना। तब क्या करना है, तब मेरा दूसरा डिफिनेशन काम आएगा। इसका दूसरा डिफिनेशन देखते हैं, यहां पे देखिएगा, दूसरे शब्दों में ऐसा पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती फलकों यानी एडजेसेंट फेसेस पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। फिर से ध्यान रखेंगे, दूसरे शब्दों में ऐसा पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, तो ऐसे पासा को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। निकटवर्ती यानी क्या, एडजेसेंट डाइस। ठीक है, ये देखिएगा, दो, दो का नजदीक कौन है, तीन, दो के नजदीक तीन, दो के नजदीक छह, दो के नजदीक चार, दो के नजदीक एक, इसी को कहते हैं निकटवर्ती फेस, यानी इसके नजदीक का फेस, यानी इंग्लिश में कहे तो एडजेसेंट फेसेस। ठीक है, दो के नजदीक क्या है, तीन, तीन और दो पांच, 7 नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट फेस यानी एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड डाइस होना। दूसरा रूल यही कहता है कि स्टैंडर्ड यानी नजदीक वाला का सम 7 नहीं होना चाहिए, इसके अपोजिट का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहां देखते हैं, दो तीन नहीं हुआ, दो एक नहीं हुआ, दो छह सात नहीं हुआ, दो चार नहीं हुआ, दो पांच, अच्छा अपोजिट में 5 है, जब अपोजिट में 5 है तो नजदीक में तो कोई सवाल नहीं होता। तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस का दो रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, यहां देखिएगा जनरल डाइस। जनरल डाइस क्या होता है, जनरल डाइस बनता क्यों है, जनरल डाइस बना है चीटिंग पर्पस से, यानी कि धोखा देने के लिए। ये तो आपका हो गया, मैं चाहता हूं 5 के नीचे 6 हो, 5 के नीचे 6 मैं अपनी इच्छा से दे दूंगा, क्या कर लेगा कोई, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जनरल डाइस यानी जनरल पर्पस, सबका पर्पस के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू मेरा पर्पस है कि हम 3 के नीचे 6 चाहते हो तो 3 के नीचे 6 देंगे, किसी और का पर्पस है कि 2 के नीचे 5 हो तो 2 के नीचे 5, 2 के नीचे 4, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ये कहते हैं आपका जनरल डाइस यानी जनरल पर्पस के कारण जो बनता है उसे जनरल डाइस कहते हैं। यहां देखेंगे, ऐसा पासा जिसके कोई भी दो निकटवर्ती फलकों पर अंकित अंकों का योग
अंकित अंकों का योग 7 हो तो ऐसे पासा को समान पासा कहते हैं। उसमें याद रखेंगे उसमें 7 नहीं हो रहा था, इसमें देखिएगा 4, यहां देखिए 4 1 7 हुआ नहीं हुआ, 6 1 7 हो गया ना, दैट मीन्स ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं जनरल डाइस हो गया। इसका फोटो देखते हैं यहां पे, क्या है 1 और इधर, यहां देखिएगा यही ना था, यहां देखिए 6 1 7, दैट मीन्स जनरल डाइस का खासियत है कहीं भी नजदीक वाला 7 कहीं भी 7 हो जाए तो वो कहता है जनरल डाइस, इसका मतलब यही कहता है जनरल डाइस। ठीक है, जनरल डाइस का एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैं देखिएगा यहां देखते हैं 2 5 1 1 5 6 4 6 5 2 4 3, यहां देखिएगा ये क्या है, एक ही डाइस का ये सब फेस है, एक ही डाइस को चार बार फेंका गया तो ऐसा दिखा। जब भी क्वेश्चन होगा याद रखिएगा एक ही डाइस का वो क्वेश्चन रहता है, ये चार फेस का मतलब चार डाइस नहीं हुआ, ये एक ही डाइस है। देखिएगा 5 और 2 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, इस पे 7 नहीं हुआ, 4 3 7, तो क्या ये डाइस एक्स्ट्रा जनरल, ये जनरल डाइस नहीं हुआ, नहीं ये भी जनरल डाइस है। क्यों, इस चारों में से किसी एक पे 7 हो जाए, किसी एक पे भी 7 हो जाए ना तो ये आपका जनरल डाइस होता है। क्लियर है, ये जनरल डाइस की, ये भी एक जनरल डाइस ही है, इसी का ये रूप था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सर जितना फेस का सम नजदीक वाले फेस का सम 7 हो रहा है तो यानी जनरल डाइस है। क्लियर है, तो ये था आपका जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का डिफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसका रूल पढ़ूंगा, इसका चार रूल होता है, वो चारों रूल एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। और याद रखिएगा दोस्त, अगर ये डिफिनेशन अच्छा से याद है तो इसके आगे का रूल आपको समझ में आएगा, वो रूल आगे का याद है तो उसके आगे का याद होगा, प्लीज इस रूल को याद कर देंगे।